मैं धनराज सर, और आज आप लोग के क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोएट्री सेक्शन में हमारा जो फर्स्ट पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पिछले क्लास में आपने ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन ये सभी नोट किया, लिखा। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं। स्टूडेंट का बार बार कॉमेंट था कि सर समरी को भी थोड़ा दिन कराइए। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन के बारे में और उनके द्वारा लिखी गई ये लव पोयम स्वीटेस्ट लव के बारे में। जॉन डन के बारे में आपका जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, मैं लिंक आज दे दूंगा आपको, इस वीडियो में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। जॉन डन के बारे में स्वीटेस्ट लव का जो भी एक्सप्लेनेशन है सभी आपको इस लिंक में मिल जाएगा। तो अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोयम, हम दो सेक्शन में बात के चलते हैं। समरी, समरी का अर्थ होता है सारांश। संक्षिप्त में कवि इस कविता में कहते क्या हैं, इनके बारे में लिखिए। इनके बारे में जो है लिखना पड़ता है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कम से कम 100 वर्ड में, 100 शब्दों में आपको इसको लिखना है। तो इसका ध्यान रहे कि अबाउट द ऑथर भी लिखना है, पैराग्राफ भी चेंज होना है, फिर अबाउट द पोयम भी लिखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अबाउट द ऑथर जॉन डन के बारे में। जॉन डन के बारे में तो अब शुरू करो, लिखना शुरू करेंगे आप। समरी, स्वीटेस्ट लव, ये कविता का टाइटल है, बट शुरुआत में यही इस तरीके से करेंगे। स्वीटेस्ट लव, आप ध्यान दो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट या डू नॉट गो, मैं आपको बता दिया था ये ऑल इंग्लिश है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लिरिकल पोयम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लिरिकल पोयम, इज अ लिरिकल पोयम। आप लिखेंगे, इसको लिखते जाएंगे आप, लिरिकल पोयम विच वाज कंपोज्ड, विच वाज कंपोज्ड, विच वाज कंपोज्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएट्स जॉन डन, जॉन डन। स्टूडेंट्स नोट करेंगे आप, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लिरिकल पोयम, इज अ लिरिकल पोयम विच वॉज कंपोज्ड, कंपोज्ड इसलिए कि कविताओं की संरचना होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कविताओं की संरचना होती है। विच वॉज कंपोज्ड बाय वन ऑफ द, सुपरलेटिव डिग्री है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएट्स, आध्यात्मिक जितने भी कवि हैं उनमें से काफी प्रसिद्ध, ज्यादा फेमस जॉन डन के बाद। इनको लिख रहे हैं, आगे लिखोगे आप, हु वॉज बॉर्न, जिनका जन्म हुआ, हु वॉज बॉर्न इन कैथोलिक फैमिली इंग्लैंड, फिफ्टीन सेवेंटी टू, हु वॉज बॉर्न, जिनका जन्म हुआ इन कैथोलिक फैमिली, मैं आपको बताया था एंटी कैथोलिक और रोमन कैथोलिक, तो यह कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली आप सब समझ सकते हैं, कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली इंग्लैंड में हुआ था 1572। फुल स्टॉप। आगे आप लिखेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में, जॉन वाज फर्स्ट
टू लिव, आप लिखेंगे जॉन वाज फॉर्स्ड टू लिव, जॉन वाज फॉर्स्ड टू लिव कौन सी यूनिवर्सिटी आपको बताया था हमने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री, विदाउट डिग्री, और इसके पीछे कारण क्या था, उनका धर्म, ड्यू टू हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण। और आपको मालूम है कि एट लास्ट ही स्टडीज, एट लास्ट और अंत में उन्होंने फिर अध्ययन किया, ही स्टडीज लॉ एंड रीड थियोलॉजी, रीड थियोलॉजी, और अंत में उन्होंने जो है कानून का अध्ययन किए, धर्मशास्त्र का अध्ययन किए। आगे ध्यान देंगे, इट इज अ लव पोयम, अ लव पोयम इन विच, इट इज अ लव पोयम इन विच, इट इज अ लव पोयम इन विच ही एक्सप्लेन्स अबाउट ट्रू लव, ट्रू लव। तो ये है अबाउट द ऑथर, इसके बाद हम चलेंगे अबाउट द पोयम। समरी है, सारांश है पूरे स्टांजा को, ये पूरे 40 लाइन की जो कविता है इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे, 100 शब्दों में लिखेंगे, 100 शब्द तो यही पूरा जाता है, बट कॉन्सेप्ट भी पूरा होना चाहिए हमारा। तो यहां तक आप आसानी से आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, पॉइंट को नोट कर लेंगे, ज्यादा परेशानी हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद चलेंगे अबाउट द पोयम, अबाउट द पोयम, और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर पॉइंट को नोट कीजिए, जहां तक हो सके कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं जो भी प्रॉब्लम आपको है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आए। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आप अबाउट द पोयम के बारे में लिखेंगे, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अकॉर्डिंग, जी हां अकॉर्डिंग टू दिस पोयम, दिस पोयम, इस कविता के अनुसार, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पोयम, इस कविता के अनुसार जॉन डन, जॉन डन, आप पॉइंट नोट करते जाएंगे, अकॉर्डिंग टू दिस पोयम जॉन डन एक्सप्रेसेस, जॉन डन एक्सप्रेसेस, जॉन डन एक्सप्रेसेस हिज हीटर लव, हीटर लव टुवार्ड्स अपनी प्रेमिका के प्रति, तो टुवार्ड्स हिज बिलव्ड एनी मोरे, उनकी प्रेमिका का नाम एनी मोरे है। तो आप इतना लिखेंगे आप कि अकॉर्डिंग टू दिस पोयम जॉन डन एक्सप्रेसेस हिज फ्यूचर लव, अपने जो सच्ची मोहब्बत है उनके बारे में, टुवार्ड्स हिज बिलव्ड अपनी प्रेमिका के प्रति, अपनी प्रेमिका के प्रति एनी मोरे। आगे लिखेंगे एंड सेज दैट, एंड सेज दैट, और वे कहते हैं, और वो कहते हैं, आप यहां पे पुरुषों का प्रयोग नहीं करेंगे, एंड सेज दैट कहते हैं मीटिंग एंड डिपार्टिंग इज द रूल ऑफ, मीटिंग एंड डिपार्टिंग इज द रूल ऑफ नेचर, रूल ऑफ नेचर, मिलन और जुदाई ये जो है प्रकृति का नियम है, मीटिंग एंड डिपार्टिंग,
करेंगे, मीटिंग एंड डिपार्टिंग इज अ रूल ऑफ नेचर. सो द पोएट वांट्स टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलव्ड wants to depart from his beloved, because he knows that death is certain one day. क्योंकि ये जानते हैं कि मृत्यु एक दिन निश्चित है. फुल स्टॉप. आप यहां पर नोट करेंगे इसमें क्या है. अभी तक हम लोगों ने लिखा कि अकॉर्डिंग टू दिस पोयम, इस कविता के अनुसार जॉन डन एक्सप्रेसेस, वो व्यक्त करते हैं हिज फ्यूचर लव, अपने वो मोहब्बत को अपने प्रेमिका के प्रति, एनी मोरे के प्रति. एंड सेड, वो कहते भी हैं, देखो भाई मिट्टी में डिपार्टिंग, मिलन और जुदाई ये चलता रहता है, जीवन में दुख और सुख आता जाता रहता है. तो इसमें अधिक सोचने की कोई बात नहीं है. और कभी ये जानते हैं, उन्होंने लिख भी दिया था कविता में, ये जानते भी हैं कि डेथ जो है, मृत्यु जो है एक दिन निश्चित है, इसलिए वो उनसे जो है दूर होना चाहते हैं. नाउ नेक्स्ट, आगे लिखेंगे आप. इन दिस पोयम, इस कविता में क्या होगा, शॉर्ट में चलेंगे अब. इन दिस पोयम आप लिखेंगे, इन दिस पोयम he said that वे कहते हैं कि true love has no distance. True love has no distance. आप नोट करेंगे, ट्रू लव हैज नो डिस्टेंस. सच्ची जो मोहब्बत होती है उनमें कोई दूरिया नहीं होता है, कोई दूरी कोई डिस्टेंस नहीं होता है. व्हेन यू रिमेंबर, व्हेन यू रिमेंबर व्हेन यू रिमेंबर जब कभी भी तुम मुझे याद करोगे, तो when you remember आप लिखेंगे, when you remember I shall make a speedier journey than sun. इन्होंने इस कविता में हाथ रोल का प्रयोग किया था और कहा था, देखो चाहे हम जितनी भी दूर चले जाएं, सच्ची मोहब्बत में कोई दूरियां होती नहीं है, चाहे हम सात समुद्र पार भी क्यों ना चले जाएं, जब कभी भी तुम मुझे याद करोगे, तो जितने समय में सूर्य की गति जो है, सूर्य अपनी रोशनी को धरा तक पहुंचाती है, उससे अधिक गतिमान होकर मैं विंग्स बनाकर इस जो है जर्नी करूंगा और आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन लास्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि ओ हाउ फेवरेबल द मैन्स पावर, द गुड फॉर्चून फॉर. इन्होंने ये भी कहा था कि समय को भी थोड़ा महत्व देना है, समय को भी समझो, आगे चाहे जैसे भी लॉकडाउन चल रहा हो, लेकिन स्टडी पर भी ध्यान देना है. वो आशा करते हैं कि ये बहुत लंबी जो है एक्सप्लेनेशन हो रहा है, आप पॉइंट को नोट करते जाएंगे. ये समरी, आप सारांश को जितनी भी स्टैंडर्ड को रीड किए हैं, अध्ययन किए हैं, उनके अनुसार आप अपने अपने तरीके से भी नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा. तो शॉर्ट में लिखेंगे, दस मिनट इस प्रकार जॉन डन आप लिखेंगे, जॉन डन यूजेज हाइपरबोल make this poem
पावरफुल टू मेक दिस पोयम पावरफुल अबाउट टू लव कर दीजिए टू लव अबाउट टू लव अबाउट टू लव एट लास्ट ही सेड एट लास्ट ही सेड अंधपा को कहते हैं लव इज लाइफ एंड ट्रू लव नेवर डाइज ट्रू लव नेवर डाइज सच्ची मोहब्बत कभी समाप्त नहीं होता है देखेंगे इट इज अलाइव और तो आज की क्लास में इतना ही हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारा समरी आप समझ सकते होंगे और आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लिए होंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में धन्यवाद।